Hello everyone, this is Amaira. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu expert and a healer. And today I'm going to talk about your weekly taroscope. जी हाँ, हम बात करेंगे 12 के 12 zodiac के बारे में कि आपका जो ये आने वाला हफ्ता है ये कैसा रहने वाला है, जो शुरू हो रहा है 1 तारीख को और जाएगा 7 तारीख तक। हम सभी राशियों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पहली राशि जो है एरीज। तो एरीज, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है पैलेस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। तो अगर मैं देखूं तो ये हफ्ता मुझे काफ़ी स्लो नज़र आ रहा है आपके लिए। अगर मैं बात करूं काम की तो आप काफ़ी हद तक, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑफिशियल मीटिंग्स तो बहुत हो रही हैं लेकिन कुछ भी ऐसा हैपनिंग आपकी वर्क लाइफ में यहाँ पर कुछ भी खास होता दिखाई नहीं दे रहा। टेम्पल विजिट मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। इस हफ्ते आप किसी न किसी मंदिर की या किसी तीर्थ की यहाँ जो है यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए ट्रैवल बहुत अच्छा दिखाई देता है। पैलेस ऑफ स्वॉर्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं मेंटली उस लेवल पे पहुँच चुके हैं, शायद आपको कोई भी चीज़ आज की डेट में परेशान नहीं कर सकती, आपके थॉट्स आपको बॉदर नहीं कर सकते, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एरीज, क्योंकि टाइम आपके लिए काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। अगर आपने सुना हो प्लैनेटरी चेंजेस के बारे में, है ना, तो इस टाइम जो है गुरु वो आपकी राशि में से ही जो है भ्रमण कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। कोई ना कोई अपग्रेड आपके जीवन में आ सकती है। बात करें आपकी लव लाइफ की तो कार्ड है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो मुझे लगता है कि आपकी आपके पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो रही है, टाइम आ गया है, दिस इज़ द राइट टाइम, आपको उनके साथ बैठ करके वन टू वन बात करनी चाहिए। जो भी मसला है आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है कि वो बात करके सुलझाया जा सकता है और बात करने से ही हल भी निकलेगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपको लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे थे, बट नाउ द टाइम इज़ राइट, यू बोथ सिट टुगेदर एंड टॉक इट आउट, राइट। अगर बात करें आपकी हेल्थ की तो मुझे लगता है हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस हफ्ते हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। लकी कलर की अगर मैं आपके लिए बात करूं तो लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए रहेगा पर्पल और लकी नंबर रहेगा नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी दूसरी राशि जो है टॉरस। तो टॉरस, आपका जो है ये वीक कैसा रहने वाला है उस बारे में बात करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। कार्ड है पैलेस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड वेडिंग। तो एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉम्प्ट है कि इस हफ्ते आपकी शादी पक्की होने की जो खबर है ना, वो आपके घर वाले जो है सबको दे सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप लोग किसी रिलेशनशिप में थे, खाली अभी तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो ये रिलेशनशिप आप जो है नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाने वाले हैं। फैमिली की तरफ से हाँ होती नज़र आ रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती यहाँ पर। जो लोग सिंगल थे तो मुझे लगता है इस हफ्ते कोई नया भी जो है आपकी लाइफ में आ सकता है। सो अगेन अ गुड न्यूज़ ओनली। पैलेस ऑफ वॉन्ड्स, काम के मामले में भी टाइम जो है अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो समय ज़्यादा अच्छा है। जॉब वालों के लिए जो समय है वो काफ़ी संतुलित नज़र आ रहा है, बहुत ही बैलेंस किस्म का टाइम है, कोई अप डाउन नहीं है, लाइफ जो है बहुत रूटीन तरीके से चल रही है यहाँ पे। लेकिन प्यार के मामले में, मैंने पहले ही आपको बताया कि प्यार के मामले में यह हफ्ता जो है बहुत अमेजिंग जाने वाला है। आप अपने रिलेशनशिप पे जो है ज़्यादा ध्यान देंगे इस हफ्ते, फैमिली को ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हर समय सिर्फ काम काम नहीं कर सकते, हर समय सिर्फ फैमिली फैमिली नहीं कर सकते। तो वो बैलेंस क्रिएट करना अपनी वर्क लाइफ में भी और फैमिली लाइफ में भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप बहुत ही अच्छे से मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं सप्ते टॉरियन। लकी कलर के लिए मैं आपके लिए बात करूं तो लकी कलर आपके लिए रहेगा गुलाबी, यानी कि पिंक कलर। लकी नंबर की हम बात करें तो रहेगा नंबर 2। नंबर 2 जो है रिलेशनशिप को भी प्रेजेंट करता है, बैलेंस को प्रेजेंट करता है और हारमोनी और पीस की बात करता है। तो आपके लिए 2 नंबर जो है बहुत लकी रहने वाला है इस हफ्ते, तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। कहीं भी आपको कोई कलर चूज़ करना है तो पिंक कलर चूज़ कीजिए, कोई नंबर चूज़ करना चाहते हैं तो नंबर 2 चूज़ कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हमारी तीसरी राशि जो है जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। इन लोगों का पता ही नहीं चलता एक्चुअली लाइफ में चाहते क्या है ना, कभी इस तरफ नज़र आते हैं कभी उस तरफ नज़र आते हैं। पर तो जेमिनी देखिए, आपके लिए जो ये हफ्ता क्या लेकर के आया है, आपके कार्ड्स आए हैं 5 of Pentacles, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेपरेशन। तो सेपरेशन कहीं ना कहीं डबल इंडिकेशन है, क्योंकि जो ये 5 of Coins का कार्ड है ये भी टैरो के अंदर कहीं ना कहीं सेपरेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। और आपका रोमांस एंजल कार्ड भी सेपरेशन बहुत क्लियर बोल रहा है, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन होराइजन। तो मुझे लगता है कि वन थिंग, अगर आप किसी मैरिज में हैं तो भी हो सकता है कि आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, कोई सेपरेशन का केस यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर से अभी किसी ना किसी वजह से किसी दूरी पर हैं, है ना। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो दूसरी कंट्री में रहता है, तो आई सी ए गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड नो डाउट डिवोर्स के जो चांसेज हैं वो यहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप
एक रिश्ते को अपनी लाइफ में खत्म करने के कगार पर पहुंच चुके हैं, तो इस हफ्ते अगर उससे रिलेटेड कोई डिसीजन आपको लेना है तो वो जो है आप यहाँ मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं, चांसेस उसके बहुत ही ज्यादा हैं। काम के मामले में बात करूं तो समय बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और फायरी एनर्जी में आप मुझे नजर आ रहे हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट अगर आपको बिजनेस डिसीजंस लेने हैं इस हफ्ते आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं आपके लिए कि अगर आप जॉब में हैं तो अगर प्रमोशन की कोई बातचीत आपके लिए चल रही है तो वो मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे इस हफ्ते में बनते नज़र आ रहे हैं। लकी कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 5। नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है चेंज को, तो देयर इज अ बिग चेंज एक्सपेक्टेड इन दिस वीक फॉर यू, राइट जेमिनी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारी चौथी राशि जो है कैंसीरियंस, माई वाटर एलिमेंट है ना, बहुत ही इमोशनल, जिनको मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जो कैंसीरियंस होते हैं वो बहुत ही इमोशनल होते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 of Pentacles, द वर्ल्ड एंड ट्रस्ट। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, ट्रैवल पे जाते मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं मई मंथ के अंदर, तो आप अपनी फैमिली के साथ भी वेकेशन यहाँ पे जो है प्लान कर सकते हैं और आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी जो है इस हफ्ते में जा सकते हैं। 5 of Pentacles ये शो करता है कि काम के मामले में बिजनेस में मुझे थोड़ा सा लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, देन गो फॉर अ हेल्थ रूटीन चेकअप प्लीज़। लव लाइफ की बात करें तो कार्ड आया है ट्रस्ट का, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से किसी बात से तो नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं शायद उन्होंने आपका ट्रस्ट भी ब्रेक किया है और आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं उनको लेकर के, उनके प्यार को लेकर के, बट यूनिवर्स बोल रही है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर पार्टनर। हमेशा हर चीज़ को लेकर के अगर हम डाउट करेंगे तो परिपूर्ण तो कोई भी नहीं होता, कमी तो हर एक के अंदर कहीं ना कहीं पाई जाती है, राइट? तो आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट कीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस भी देते हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ना वर्क कॉल बहुत डिफरेंट होती हैं, तो आपका अगर कोई शक उनके ऊपर हो रहा है तो बहुत गलत है, आपको उनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट ट्रस्ट बना करके रखिए। लकी कलर आपके लिए रहेगा येलो कैंसीरियंस एंड लकी नंबर आपके लिए भी है नंबर 5, तो ये ट्राई करके ज़रूर देखिए, कहीं पर भी आपको कोई नंबर चूज़ करना पड़े, कोई कलर चूज़ करना पड़े, तो जो लकी कलर्स आपके लिए हम बता रहे हैं आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी पांचवी राशि जो है सिंह राशि, यानी कि लियो, जो अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी करेज के लिए जाने जाते हैं। तो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है लियो? कार्ड्स आए हैं आपके लिए किंग ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस कुड बी दी वन। मुझे लगता है ये हफ्ता आपका ज़्यादातर समय जो है आपके ध्यान, जो आपका जो ध्यान है वो काम पे रहने वाला है, फैमिली लाइफ या रिलेशनशिप को टाइम मुझे आप देते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इस हफ्ते काफ़ी बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स क्रैक कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं आप अपनी लाइफ के अंदर। इमोशंस के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस हफ्ते में। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो लोग ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई सर्जरी जो है इस हफ्ते यहाँ पर हो सकती है, तो अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ टाइम से डॉक्टर की विजिट ज़रूर कीजिए। बाकी हम बात करें, मैंने बताया आपको प्यार का तो चांस दिखाई नहीं दे रहा है इस हफ्ते, काम ज़्यादा करना पड़ेगा लियो आपको, पर मुझे लगता है उसके लिए आप हमेशा ही तत्पर रहते हैं। रोमांस लाइफ की आपकी बात करें तो कार्ड है दिस कुड बी दी वन, यू हैव ऑलरेडी मेट दी रोमांटिक पार्टनर यू सी। आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैसेज सुन रहे हैं मेरा, उस समय अगर आपके जहन में कोई भी इंसान अभी आ रहा है, दैट पर्सन इज़ योर राइट पार्टनर। एंड आपकी लाइफ में आप अगर सिंगल हैं, जिस किसी के साथ आपकी शादी होगी या पार्टनरशिप आगे बढ़ने वाली है, तो आप अभी करंटली जिसके साथ भी पार्टनरशिप में हैं, दैट पर्सन इज़ एब्सोल्युटली राइट फॉर यू। आप उनके साथ अपनी लाइफ जो है आगे प्लान कर सकते हैं। लियो आपके लिए लकी कलर रहेगा डार्क बॉटल ग्रीन, जो बहुत ही डार्क सा होता है, राइट? आप उसको ट्राई करके देखिए। लकी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए लकी नंबर है नंबर 3। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्गो। यस, वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है, हमारी जो कन्या राशि है उनका यह हफ्ता कैसा जाएगा? कार्ड बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं आपके, मुझे कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेंथ, 9 of Pentacles, फाइनेंसिस एंड करियर। मतलब पैसे कमाने में इतना ज़्यादा ध्यान आपने लगा रखा है कि प्यार मोहब्बत घर बच्चा प्यार सब कुछ भूल गए हैं आप, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस हफ्ते भी पैसे तो बहुत अच्छे कमाएंगे आप, क्योंकि 9 of Pentacles का कार्ड है जो ये प्रॉमिस करता है कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नए भी रास्ते खुलने वाले हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस हफ्ते मिल सकती हैं जहाँ पर आप बहुत ही अच्छा अमेजिंग पैसा कमाएंगे।
स्ट्रेंथ का कार्ड ये इंडिकेट भी करता है कि अगर आपको किसी काम में या किसी वजह से थोड़ा सा लग भी रहा है कि कोई डिले चल रहा है, इट्स ओके, वो डिले भी आपके फेवर में ही जाने वाला है. तो हैव पेशेंस, चीज़ें आपके फेवर में ही वर्कआउट करेंगी. और अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, वहाँ पर भी कार्ड है फाइनेंस एंड कैरियर का. तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इस हफ्ते प्यार, बच्चा, फैमिली कहीं ध्यान नहीं है आपका, पूरा का पूरा ध्यान काम पे भी नहीं है. सही बताऊं तो पूरा का पूरा जो आपका ध्यान है वो पैसे की तरफ झुका हुआ है. और अच्छी चीज़ ये भी है कि चलिए हम जिस चीज़ पे भी फोकस करें या जो भी हमारा गोल हो, अगर हम वो अचीव कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड फॉर अस. तो पैसे बहुत अच्छे आएंगे. काम के मामले में हफ्ता बहुत अमेजिंग रहेगा. फैमिली लाइफ के लिए मैं बात करूँ तो काफ़ी कम समय मुझे यहाँ पे देते दिखाई देते हैं. हेल्थ के मामले में भी मुझे ऐसी कोई खास परेशानी यहाँ पे दिखाई नहीं देती. लेकिन यस, आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर करियर, योर वर्क एंड योर फाइनेंशियल थिंग्स. तो आप इसको प्लीज़ बैलेंस ज़रूर कीजिए. यही आपके लिए गाइडेंस है सबसे, क्योंकि कई बार हम काम और पैसे के चक्कर में प्यार को खो देते हैं. लेकिन हमारी लाइफ में सब कुछ उतना ही ज़रूरी है ना. प्यार भी तो चाहिए, खाली पैसा कमा करके भी कहाँ जाएंगे जब कोई पूछने वाला नहीं होगा. तो आपके लिए मैं अगर लकी कलर के लिए बात करूँ, लकी कलर है आपके लिए ब्राउन और लकी नंबर रहेगा नंबर 9. आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हमारी सातवीं राशि जो है लीब्रा. लीब्रा के लिए मेरे मुंह से हमेशा एक लाइन ज़रूर निकलती है कि इस राशि को हम किस लिए जानते हैं, खूबसूरती के लिए. इनको खूबसूरत दिखना बहुत पसंद है. आपके लिए कार्ड्स आए हैं लीब्रा यानी कि तुला राशि. बहुत ही बैलेंस किस्म के लोग होते हैं ये. पैलेस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड कोडिपेंडेंसी. लीब्रा देखो, आप एयर एलिमेंट हो, वैसे ही बहुत ओवरथिंकिंग भी करते हो, है ना. और इस हफ्ते तो कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है. मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ना मेंटली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इस हफ्ते हो सकती हैं. बहुत सारे थॉट्स जो हैं आपको यहाँ परेशान कर रहे हैं. कोई ऐसा कम्युनिकेशन आना, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिलने वाली है जिसकी वजह से आपकी परेशानी मुझे यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. तो आप प्लीज़ यहाँ पे इस हफ्ते थोड़ा सा मेडिटेशन या योगा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको दिमाग को शांत रखना इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. और ये जो खबर है ये मैं कह सकती हूँ कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि आपके लिए कार्ड है कोडिपेंडेंसी. एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ. यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जिससे आप पागलों की तरह प्यार करते हैं, लेकिन आपको उसकी तरफ से रिटर्न में प्यार वैसा नहीं मिलता, वैसी अटेंशन नहीं मिलती. और शायद कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं. तो उनकी ये जो इग्नोरेंस है ये आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. और इसके चक्कर में आपकी जो ओवरथिंकिंग वो बढ़ रही है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है. तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है. अगर वो भी आपसे प्यार करते हैं तो ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको अपना वक्त दें. अगर नहीं दे रहे हैं तो दिस इज़ अ नॉक फॉर यू. ये आपको सोचना है कि आपको वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए भी है, क्या उसकी कोई ज़रूरत भी है आपकी लाइफ में. बट जस्ट बिकॉज यू आर इमोशनली सो मच डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, आप अपनी लाइफ में सफरिंग्स को इन्वाइट कर रहे हैं. तो आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है. काम की जगह पे भी मुझे लगता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपस में कलीग्स के साथ में कोई फाइट हो सकती है. तो इसको अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है जब आपको पहले से पता है कि इस हफ्ते किसी ना किसी से बहस होने के चांसेस हैं, तो नॉइंगली आप अपने कॉन्शियस को थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी भी बहस में जो है इस हफ्ते आप ना पड़े. लकी कलर आपके लिए है ब्लू और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 5. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट राशि जो है स्कॉर्पियो. वाटर एलिमेंट अगेन स्कॉर्पियो. आपके लिए कार्ड्स आए हैं 2 of Swords, 4 of Pentacles एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट. इस हफ्ते अगर आप प्रॉपर्टी की कोई भी डील करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है आपके लिए. तो प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हफ्ता बहुत ही अच्छा है. बिजनेस के केस में मुझे लगता है किसी बहुत स्पेसिफिक, किसी बड़े चीज़ को लेकर के आप बहुत ही अनडिसाइसिव फील कर रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. तो यहाँ पे मेरी गाइडेंस आपके लिए यही है कि अगर आप खुद अभी श्योर नहीं हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी बिग डिसीजन इन योर लाइफ, है ना. थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, एक हफ्ते की बात है, हफ्ते भर की एनर्जी है ये ऐसी. थोड़ा सा जैसे ही आप टाइम दोगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, देन यू कैन ऑफकोर्स डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू. काम के मामले में भी समय अच्छा रहने वाला है. मैंने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है. अगर आप स्टॉक मार्केट में भी जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं. प्यार के मामले में बात करें, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिक अट्रैक्टिव. कई बार क्या होता है ना, मैंने बताया ना, जब जब आप अपने से ज़्यादा वैल्यू दूसरे इंसान को देना शुरू कर दोगे, दूसरा वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है. तो अगर आपको ही अपनी वर्थ नहीं पता, दूसरे को कभी पता नहीं चलती. तो सबसे पहले आपको स्कॉर्पियो, ये मैसेज आपके लिए है, खुद से प्यार करना सीखो, खुद की वैल्यू करना सीखो.
यू आर वर्दी, है ना, यू आर लवेबल. जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा, दूसरा कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगा. तो अगर आप ये चाहते हो कि दूसरा इंसान आपको उतना ही प्यार करे, उतनी ही वैल्यू करे, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है. ठीक है, वो बैलेंस नहीं होगा तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा. लकी कलर आपके लिए रहेगा इंडिगो. इंडिगो ब्लू जो होता है वो आपका लकी कलर है. लकी नंबर आपके लिए रहेगा स्कॉर्पियो नंबर 4. आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली जो राशि है वो है सेजिटेरियस, यानी कि फायर एलिमेंट. सेजिटेरियस, आपके जो कार्ड्स आए हैं इस हफ्ते के लिए, ओ माय गॉड, वो है 10 of Wands, 8 of Swords एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. सेजिटेरियस, क्या चल रहा है इस हफ्ते, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ओवरबर्डन वाली फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कि जान ही दे देते हैं, ना, बड़े गंदे गंदे थॉट्स आने वाले हैं इस हफ्ते. तो ये हफ्ता काफ़ी परेशानी वाला दिखाई दे रहा है आपके लिए. आपको लग रहा है कि थॉट्स के मामले में भी आप शायद किसी सिचुएशन में फंस गए हो और चाहकर भी जो है आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो वहाँ से, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे हैं. तो और आपको ऐसी आपके आसपास सिनेरियो कुछ इस कदर है कि यू आर दी ओनली वन हु हैज़ टू फुलफिल एवरीथिंग. तो आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टायर्ड मुझे नज़र आ रहे हो. काम के मामले में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवरवर्किंग चल रही है, एक तरीके से वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर. रिश्तों के मामले में मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते हुए मुझे नज़र आते हो. तो आपके लिए मैं बेस्ट रेमेडी अगर आपको कुछ बताना चाहूँ यहाँ पे, तो आप मेरी बात मानिए, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के ना कहीं पर घूम आइए. जैसे वीकेंड गेट पे ज़्यादा लंबा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, बट जब जब आप अपना स्टेट चेंज कर लेते हो या देश चेंज करते हो तो आपकी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं. तो आपकी परिस्थिति अभी मुझे क्योंकि काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है, तो अगर आप कोई छोटा मोटा ट्रैवल कर लेंगे, आउट ऑफ टाउन जो है विजिट करके आ जाओगे, तो आपकी परिस्थिति में बदलाव आ जाएगा. तो इससे आपको बेटर फील होगा. लव लाइफ की बात करूँ, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. आप इतने ज़्यादा खुद में उलझे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए हैं कि प्यार के लिए आपके पास वक्त ही नहीं है. लेकिन यूनिवर्स बोल रही है कि आप भी तो उनके जो है फेवरेट चाइल्ड हो, आप भी सब कुछ डिज़र्व करते हो, आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, आपके लाइफ में भी सब कुछ होना चाहिए. तो आप अपने आप को मत रोकिए. अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए. अपनी लाइफ में डोर्स को ओपन कीजिए और प्यार को जो है आने दीजिए, प्यार की एंट्री को होने दीजिए. क्योंकि अभी यू आर दी ब्लॉकेज, आपने ही जो है अपनी लाइफ के अंदर प्यार को रोक रखा है, आप किसी को आने नहीं दे रहे हैं. बट आने दीजिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो हार्ट चक्र है वो बहुत ब्लॉक रहने वाला है और उसकी वजह से भी आपको बहुत हैवीनेस फील हो सकती है. तो आपके लिए स्पेशल एक रेमेडी बता रही हूँ कि आप रोज़ प्लीज़ सॉल्ट वाटर के अंदर ना पैरों को अच्छे से डिप करके बैठो 10 मिनट तक, और उसके बाद में उस पानी को फ्लश कर दो. और आपने यही इमेजिन करना है कि आपके आसपास या आपकी बॉडी में, आपके ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो वो क्लीन हो रही है. ठीक है, लकी नंबर आपके लिए रहेगा ब्राउन और लकी नंबर आपके लिए है नंबर 1. तो सेजिटेरियस, इसको ज़रूर फॉलो करके देखो, ये थेरेपी बहुत अच्छी है. क्लिंजिंग की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि आप मेंटली मुझे बहुत स्ट्रेस नज़र आ रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि. आपके लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग. क्या बात है कैप्रिकॉर्न, मतलब मुझे लगता है कि आपके आसपास हमेशा, मतलब आपका वीनस शायद बहुत एक्टिव रहता है, औरतें आपके आसपास हमेशा देखने को मिल जाएंगी, राइट. तो यहाँ पर दो दो क्वींस आई हैं आपकी रीडिंग के अंदर, जो ये इंडिकेट करती हैं, क्योंकि एक रिप्रेजेंट कर रही है काम को और एक रिप्रेजेंट करती है इमोशंस को. तो यू आर इन अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ योर वर्क एंड फैमिली लाइफ, विच इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि ऐसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस हफ्ते मुझे आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा होता ही नज़र आ रहा है, काम के मामले में भी सारे काम बनते नज़र आएंगे. इमोशनली भी मुझे लगता है कि आपकी फैमिली या आपकी गर्लफ्रेंड, आपका पार्टनर आपसे बहुत खुश हैं. इमोशनली बहुत फुलफिल्ड दिखाई दे रहे हो आप मुझे. अगर लाइफ में कभी भी कोई आपको काम ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा, तो आपको एक रामबाण रेमेडी आपके लिए ये है, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग. एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट. तो आपके लिए एक रेमेडी है कि आपको अमावस वाले दिन स्पेसिफिकली आप अपने पूर्वजों के लिए कोई भी खाना जो है, भूखे लोगों को, है ना, ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए. वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये स्पेसिफिक कॉल आपके लिए यहाँ पर हमारे पास में आई है. लकी जो कलर है वो आपके लिए रहेगा स्काई ब्लू और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 2. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली राशि जो है एक्वेरियस. अगेन एयर एलिमेंट और सारे कार्ड्स भी आपके लिए एयर के ही आ रखे हैं. 10 of Swords, 8 of Swords एंड अट्रैक्शन. लाइफ में कुछ ना कुछ तो खत्म होगा इस हफ्ते एक्वेरियस, है ना. और आपने कभी नोटिस किया है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसी फीलिंग बहुत बार आती है ना अंदर से, बहुत बार ऐसा लग रहा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. मैं बताऊँ आपके साथ ऐसा क्यों होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह आप ही है, क्योंकि आप ये सब अलाउ कर रहे होते हो. यू हैव टू स्टॉप एवरीथिंग, है ना. एनी काइंड ऑफ अ शिट इज हैपनिंग अराउंड यू, द रीजन इज यू.
तो टेन ऑफ सोर्ट्स की जो एनर्जी है वो यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रही है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो खत्म होने वाला है. इट कैन बी एनी सिचुएशन, सर्कमस्टेंस और अ पर्सन. हो सकता है किसी इंसान की, किसी लवेबल इंसान की आपकी लाइफ से एग्जिट हो सकती है. हेल्थ के मामले में बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है. काफ़ी लोगों के इसमें बैक पेन हो सकता है, बैक सर्जरी भी हो सकती है. अगर आप बहुत टाइम से किसी होते ना कि भूल भलैया में जी रहे थे और किसी चीज़ की सच्चाई जानने में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो इस हफ्ते वो सच्चाई बाहर निकल के आती नजर आ रही है. कोई लीगल केस से अगर आप जूझ रहे हैं तो इस हफ्ते जो फैसला आपके पक्ष में हो सकता है, बिल्कुल जीत आपकी दिखाई देती है. लव लाइफ की बात करूँ तो कार्ड है अट्रैक्शन. अट्रैक्शन का कार्ड क्या बोलता है? वो बोलता है, मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताती हूँ, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली. जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद को एंजॉय नहीं करोगे, अपनी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में. आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन एक्वा यही है. मैं हमेशा अपनी हर रीडिंग में एक्वा के लिए मेंशन करती हूँ कि प्लीज़ आप खुद से प्यार करो, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो. वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, वाई आर यू बॉदर? ठीक है, तो आपको उनको टाइम नहीं देना, खुद को टाइम देना है. खुद को टाइम दो, खुद को अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ करो. लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्लू और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर वन. बात करते हैं हमारी आखिरी राशि जो है मीन राशि, यानी कि पाइसेस. अगेन वाटर एलिमेंट कार्ड्स आपके लिए आए हैं. क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड ट्रू लव. बहुत ही सुंदर कार्ड्स है मीन, है ना. मीन राशि वाले आपके लिए बैलेंस हमेशा से की रहा है और इस हफ्ते आपने बैलेंस को अटेन भी कर लिया है. तो अगेन अ वेरी पॉजिटिव. कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत पसंद है, यूनिवर्स बोल रही है दिस इज द रोमांस फॉर अ लाइफ टाइम, वो आपका ट्रू लव है, तो आपको बिल्कुल ग्रीन लाइट है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप इस रिश्ते को दूसरे लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तो बिल्कुल ले जा सकते हो. ये इंसान जो है आपका पार्टनर बनने के बिल्कुल लायक है. That person is your soulmate and true love. Emotionally काफ़ी balance दिखाई दे रहे हो. काम के मामले में भी मुझे बहुत balance दिखाई देता है. अगर आप कहीं से तबियत आपकी ख़राब चल रही थी health के मामले में, तो healing होती दिखाई दे रही है, यानी कि improvement ही जो है इस हफ्ते आपको देखने के लिए मिलेगी. Lucky color आपके लिए रहेगा sea green. Lucky number आपके लिए रहेगा number 4. तो आशा करती हूँ कि आप सभी राशियों को जो अपनी प्रेडिक्शंस पसंद आई होंगी. और आपको अगर हमारी रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं. हम हमारा इंस्टा आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. आप हमारे को इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.